लोकसभा चुनाव के बीच सपा के विधायक और अखिलेश यादव की करीबी हाजी रफीक अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी सपा विधायक कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश में दबिश दे रही थी। सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी को यूपी पुलिस ने लखनऊ विधायक आवास के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उन्हें मेरठ के लिए ले जाया गया। 1995 में अगाजनी तोड़फोड़ के एक मामले में रफीक अंसारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। मामले में कोर्ट उनके खिलाफ 101 वारंट जारी कर चुकी थी, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। 1995 में एक 436/427 IPC में थाना नौचंदी में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। कुछ मीट की दुकानों पर आगजनी हो गई थी और उन मीट की दुकानों में FIR हुई थी। FIR में रफीक अंसारी नेम नहीं थे, बाद में दौरान इन्वेस्टिगेशन इनका नाम आया था। उसके बाद उसमें चार्जशीट लगा दी गई थी। चार्जशीट लगाने के बाद रफीक अंसारी जी की ना तो चार्जशीट में इन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ना इनके साइन हुए थे उसमें। कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती रही, वो पेंडिंग पड़ा रहा बहुत लंबे समय तक। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की MP MLA स्पेशल कोर्ट बन गई। जो जो MLA थे उनके केस उस कोर्ट में चले गए, तो उस कोर्ट में ये वाला मुकदमा भी चला गया। वहाँ से फिर हमने इस केस में एंटीसिपेटरी बेल मूव करी थी। एंटीसिपेटरी बेल में हमारी सेशन कोर्ट से बेल खारिज हो गई थी। रफीक अंसारी मेरठ की शहर विधानसभा सीट से विधायक है। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद SSP रोहित सिंह सजवान ने गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया था, जिसे आज जाकर कामयाबी मिली। रफीक अंसारी कानूनी रूप से पिछले 26 सालों से फरार चल रहे थे। साल 1997 से 2015 तक के बीच कोर्ट से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश जारी होते रहे, लेकिन उन्होंने किसी भी वारंट की तामील नहीं कराई और ना ही कोर्ट में पेश हुए। इसके मामले में वैसे तो नौचंदी थाने में 35 से 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसमें 22 लोग बरी हो गए थे। रफीक अंसारी की गिरफ्तारी के बाद अब चुनावी मौसम में सियासी पारा गरमाने के आसार हैं, और अब चर्चा ये भी है कि 100 बार से ज्यादा वारंट जारी होने के बाद भी सपा विधायक कोर्ट में क्यों नहीं पेश हुए थे। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।